श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
गया। पति माने मालिक, जब मालिक चला जाता है, जब साईं चला जाता है, पति चला जाता है, नारी का जीवन बड़ा विचित्र हो जाता है। जिए बिन देही नदी बिन बारी, तैसे उनाथ पति बिन नारी। बिना पति की कैसे जीवन जिएंगी। बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी को, बहुत सम्मान देते थे, हमेशा कहते थे आप खुश रहा करो। दुनिया की सैर कराई श्रीमती वंदना अग्रवाल को, कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत शौकीन थे देशाटन विदेशों में भी, बड़ा बढ़िया जीवन जिया उन्होंने। गुस्से वाले थे, थोड़ा जिद्दी स्वभाव था, बड़े परोपकारी थे। पता ये जरूरतमंद है उसकी हर प्रकार से मदद करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने लुधियाना नगर में नहीं पंजाब में बड़ा नाम कमाया मेडिकल लाइन में। अपने पीछे डॉक्टर धीरज जो उनके बड़े पुत्र हैं, और उनकी पुत्र वधु श्रीमती डॉक्टर रितु अग्रवाल, छोटा बेटा डॉक्टर नीरज, और उनकी पत्नी श्रीमती आरती अग्रवाल, वो भी डॉक्टर हैं। अपने पीछे पोता पोती चिराग, प्रथम पार्थ परसी, और अपने भाई जो भुजा होती है डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी, और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती लता अग्रवाल जी, ये उनका परिवार। परिवार भी साथ हो गया तो रोने लगा, तो तीसरा मित्र हंसने लगा। मित्र अपने आंखों के आंसू में हम लोग तुम्हारे साथ शामिल हुए। मैं ये आशा भी करता हूँ कि आगे भी हमारे परिवार के ऊपर आपके हाथ और आशीर्वाद ऐसे ही रहेगा। बहुत से संदेश आए हैं, हर लोग इमोशनल होते हैं। मैं भी बड़े भाई के जाने की वजह से काफ़ी सदमे में हूँ और कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा। जो भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत अग्रवाल परिवार की तरफ से शुक्रिया। बोलिए गरुण भगवान की जय। सज्जनों, केवल नजदीक के रिश्तेदारों के अलावा आरती के मध्य में ही प्रॉब्लम हो गई थी ना मेरे को, वही एलर्जी की। Thank you.
हेलो बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़ जी महाराज की जय। श्री गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट पहर निरगत रहूं गुरु चरण की ओर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा धीज उपदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आप सभी एक महान आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मुखारविंद से प्रवचन ग्रहण करेंगे तो बड़ी श्रद्धा के साथ में आप सभी प्रवचन सुनें। भजन चले तेरे साथ
Thank you.
Thank you.
Yeah.
जाता है, गिर जाता है मकान की तरह। रखवाला चला गया, पति माने मालिक। जब मालिक चला जाता है, जब साईं चला जाता है, पति चला जाता है, नारी का जीवन बड़ा विचित्र हो जाता है। जिए बिन देही नदी बिन बारी, तैसे उनाथ पति बिन नारी। बिना पति की कैसे जीवन जिएंगी। बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी को, बहुत सम्मान देते थे, हमेशा कहते थे आप खुश रहा करो। दुनिया की सैर कराई श्रीमती वंदना अग्रवाल को, कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत शौकीन थे देशाटन विदेशों में भी। बड़ा बढ़िया जीवन जिया उन्होंने। गुस्से वाले थे, थोड़ा जिद्दी स्वभाव था, बड़े परोपकारी थे। पता ये जरूरतमंद है उसकी हर प्रकार से मदद करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने लुधियाना नगर में नहीं पंजाब में बड़ा नाम कमाया मेडिकल लाइन में। अपने पीछे डॉक्टर धीरज जो उनके बड़े पुत्र हैं और उनकी पुत्रवधू श्रीमती डॉक्टर रितु अग्रवाल, छोटा बेटा डॉक्टर नीरज और उनकी पत्नी श्रीमती आरती अग्रवाल वो भी डॉक्टर हैं। अपने पीछे पोता पोती चिराग प्रथम पार्थ परसी और अपने भाई जो भुजा होती है डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती लता अग्रवाल जी, ये उनका परिवार। सज्जनों आप यकीन करना मैं जो बात कहने जा रहा हूं, कुछ समय पहले डॉक्टर साहब जब बीमार हुए, क्योंकि ये डॉक्टरों का ही परिवार है, जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, काफी देर तक हॉस्पिटल में रहे, शरीर से लेकिन आत्मा उनकी जा चुकी थी, यमलोक में पहुंच गए थे वो, जैसा कि परिवार ने मुझे बताया। अपनी माता से बातें की और उनकी माता जी ने कहा, बेटा यहां कैसे आ गए आप, वंदना अकेली होंगी, तुम्हें अभी आना नहीं चाहिए था। बोल सक नहीं रहे थे, कागज पर उन्होंने सब कुछ लिख के दिया, धर्मराज यमराज यमलोक और अपने पितरों का उन्होंने दर्शन किया और लौट करके दोबारा से वो यहाँ आए। परिवार के परिश्रम से, मेहनत और लगन से पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, घर लेकर के आ गए। बातचीत की, ढाटस बंधाया अपने परिवार को कि मैं इतनी जल्दी जाने वालों में से नहीं हूं। जिस रात्रि उनका पैगाम आ गया, एक बड़ा भारी तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार बरसात होने लगी, दरवाजे खिड़कियां हिलने लगे। डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मौत देखे न छोटे बड़े, आ जाए तो टलती नहीं। मौत बोली मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, और डॉक्टर साहब कहने लगे मैं जाऊंगा नहीं। तूफानी रात थी, 1:30-2 बजे का समय था, उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीरज और धीरज को जब पता चला, डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल को छोड़ करके आनंद फान में वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आ गई जब वो घड़ी तो जाने वाले चल दिए, देखते सब रह गए पर जाने वाले चल दिए। शीशियों के ढेर थे, पास बैठे वैद्य थे, कर रहे थे यतन सब पर जाने वाले चल दिए।
आ गई जब वो घड़ी तो जाने वाले चल दी। डॉक्टरों की कमी नहीं थी, दवाइयों की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर साहब का समाज में बड़ा ऊंचा स्थान है। यहाँ इतना बड़ा समाज एकत्रित हुआ है, इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने अच्छे संबंध बनाए इस नगर में। जंतरवादी, मंत्रवादी, तंत्रवादी थे सभी, थे चौकन्ने सब तरह पर जाने वाले चल दिए। जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रहे जीव निसंग। जहां जिसका जीवन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही जीवन का क्रम चलता रहता है। धनानी भूमो पशुई गोष्ठे सखा शमशाने, गरु पुराण में धनानी भूमो पशुई गोष्ठे सखा शमशाने, नारी गृह द्वारे देहे चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुरागी गच्छन्ति जीवेक। माया साथ जाती नहीं, तू कहता है कि दौलत आएगी मेरे काम, पर ये तो बता दो धन भी आज तक किसका हुआ भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र कृष्ण राम, अरे माया तू जाती नहीं। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, पड़े रहे त्रिरंगने बंगले, खाली चादर पड़ी रही। जब माया ने साथ नहीं दिया तो अपने परिवार को याद किया, परिवार साथ में खड़ा है। बेटा मुझे बचा लो, यमदूत लिए जाते हैं। बेटा ने कहा कि कोई पुत्र पिता के साथ आज तक गया नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ, कोई पुत्र इससे आगे गया नहीं। नारी चले दवार तक, परिवार गलिया बाजार तक, मित्र बंधु चले बसान तक, परदेशी हंस गुजार गया। जब परिवार भी साथ हो गया तो रोने लगा, तो तीसरा मित्र हंसने लगा। मित्र अपने आंखों के आंसू पोंछ लो, मैं पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, समाज कल्याण के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सज्जनों हानि लाभ जीवन मरण जस का फेस दिया इंसान। श्री राम जय राम जय जय राम। बताऊं कि इस दुख की घड़ी में आप लोग हमारे साथ शामिल हुए। मैं ये आशा भी करता हूं कि आगे भी हमारे परिवार के ऊपर आपके हाथ और आशीर्वाद ऐसे ही रहेगा। बहुत से संदेश आए हैं, मेरे को अकेला अकेला पढ़ के सुनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जहाँ जहाँ से संदेश आए हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दूंगा। पहला सबसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लुधियाना, डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर सरोज अग्रवाल, डॉक्टर मनोज सोक्ती, लुधियाना सिटीजन काउंसिल की सर तरफ से श्री दर्शन अरोड़ा जी, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ पंजाब श्री अमरवीर सिंह जी और श्री गोपाल मंदिर की तरफ से भी शोक समाचार संदेश आया है। अरोड़ा न्यूरो सेंटर की तरफ से डॉक्टर ओपी अरोड़ा की तरफ से भी संदेश आया है। लुधियाना क्लब रजिस्ट्रेड की तरफ से भी हमारे को कॉन्डोलेंस मैसेज आया है। छोटे भाई डॉक्टर सतीश अग्रवाल ऑल इंडिया ऑप्टिशियन सोसाइटी की तरफ से, डॉक्टर इकबाल सिंह, डॉक्टर विश्वमोहन, डॉक्टर ए वी थॉमस डायरेक्टर सीएमसी, श्री सोमनाथ गुरुवर जी, श्री करण कपूर एएनआई चैनल, श्री कमल कपूर एनडीटी चैनल। मैं परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के एक मुआफ़ी चाहूँगा कि अगर किसी का नाम हम ना ले सके हो तो वो जरा हमें क्षमा करें, क्योंकि ऐसे समय में कोई ना कोई कोताही हो ही जाती है, क्योंकि हर एक लोग इमोशनल होते हैं। मैं भी बड़े भाई के जाने की वजह से
काफ़ी सदमे में हूँ और कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा। जो भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत अग्रवाल परिवार की तरफ से शुक्रिया। मरीज ठीक होता था और कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, ऐसा बताते हैं। एशियन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चंडीगढ़ रोड पर अपने बच्चों के लिए तैयार करके गए हैं। चंडीगढ़ रोड पर इस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम है। अपने जीवन काल में बहुत ही आनंद प्राप्त किया, अपने माँ बाप की पूर्ण आज्ञाकारी रहे और आज नीरज और धीरज जो दोनों डॉक्टर हैं अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल करके पूरा नाम कमा रहे हैं, अपने पिता के सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय लेता हुआ केवल दोनों भाइयों से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरा भी इस परिवार के साथ बहुत पुराना संबंध है। अपनी माँ की पूर्ण सेवा और उनका पूरा ध्यान रखना है। कभी डॉक्टर साहब की याद बोलिए गरुण भगवान की जय। सज्जनों, केवल नजदीकी रिश्तेदारों के अलावा आरती के मध्य में ही पावे।